नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, यहाँ पे BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इन्होंने अपने कुछ पदों के लिए वैकेंसीज निकाली है जो हैं आपकी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों हैं। तो देख लेते हैं किन किन पदों के लिए ये वैकेंसीज निकाल रखी इन्होंने, नई वैकेंसीज। सबसे पहले आपका ड्राफ्टमैन आ जाता है, हिंदी टाइपिस्ट और सुपरवाइजर स्टोर के लिए, रेडियो मैकेनिकल, लैब असिस्टेंट, वेल्डर और मल्टी स्किल वर्कर हैं आपका मैसन और आपके मैथ्स के लिए, ठीक है। तो टोटल मिला के यहाँ पर कैटेगरी वाइज इन्होंने बांटी गई है वैकेंसीज, टोटल मिला के जो वैकेंसीज है वो है आपका 337 वैकेंसी इन्होंने रखी गई है, जो कि आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज इन्होंने रखी गई हैं। तो देख लेते हैं, इन्होंने इससे पहले इन्होंने अपनी साइट पर नहीं डाली गई थी, तो इन्होंने अपने साइट में भी डाल दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो है आपके ऑफलाइन है, ठीक है। तो देखिए, आप मेरी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, मैं आपको इसमें पूरी प्रोसेस बताऊंगा, आपको करना क्या है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, रनिंग होगी या नहीं होगी, सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं और आपके इसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए। सबसे पहले इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आप अगर मेल कैंडिडेट हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट अलाउड नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिखा हुआ है ये होगा आपका पुणे में होगा, ठीक है ना, ग्रिप सेंटर में। उसके बाद यहाँ पे जो जो दूसरा देखा आपको, यहाँ पे इन्होंने साइट भी दे रखी है www.bro.gov.in पे, तो आप चाहें तो इस वेबसाइट पे जाके भी आप अपने इस जो एडवर्टाइजमेंट है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं अपना ये जो एडवर्टाइजमेंट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट का बात कर लेते हैं। एज लिमिट में देखिए, आपके जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं और EWS कैटेगरी यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर कैटेगरी हैं उनके लिए एज रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है, उनके लिए IU में कोई भी छूट नहीं है। उसके बाद SC ST कैंडिडेट और अदर बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर का आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसी इन्होंने पूरी कैटेगरी वाइज बांट रखा है। लास्ट में आपको बता देता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और जम्मू कश्मीर से हैं तो आपको 10 और 5 साल का इसमें भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको वेटेज की भी बात कर रही है, इसमें अच्छी बात है कि इसमें वेटेज भी इशू कर रखा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनके फादर ग्रिप में हैं यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पे कार्यरत हैं, तो उनको 15% का इसमें वेटेज मिलेगा। NCC सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 10% का भी इसमें वेटेज है। NCC बी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो इसमें आपको 5% का इसमें वेटेज रखा है। SC एक्स सर्विस मैन स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको यहाँ पे वेटेज आपको यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता देता हूँ। जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो डिमांड ड्राफ्ट द्वारा पेबल होगी, ठीक है, और नॉट रिफंडेबल होगी, यानी कि आपको ये फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी। जो आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो कमांडेंट ग्रिप सेंटर पुणे के नाम से बनेगा। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, स्टेट बैंक के ऑफ इंडिया ब्रांच नंबर बता रखा है, ब्रांच कोड बता रखा है, IFSC कोड भी बता रखा है, तो इसी के हिसाब से आपको इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं किस किस कैटेगरी के लिए कितने इसमें आपको रुपये देने पड़ेंगे, यानी कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए और EWS कैंडिडेट के लिए, इसमें इंक्लूडिंग होंगे एक्स सर्विस मैन भी, ठीक है, तो इनको यहाँ पे 50 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे 50 रुपये का इसमें डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। अब बात करते हैं SC ST कैंडिडेट के लिए और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए, यहाँ पे कोई भी फीस पेबल नहीं है, यानी कि उनको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, आप इस फॉर्म को हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में अप्लाई कर सकते हैं और इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकानी होगी, बाकी आपके इसमें जो भी ट्रेड वाइज और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इसके फॉर्म के पीछे लगा के आपको सेंड करने पड़ेंगे। और जो आपको सेंड करना है उसके लिए मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, ये आपको सेंड करने होंगे कमांडेंट ग्रिप सेंटर डेगी कैंप पुणे पे, आपको यहाँ पे सेंड करने पड़ेंगे। लगभग आके 45 दिन में यहाँ पे आपके फॉर्म वहाँ पे सबमिट हो जाने चाहिए, पहुँच जाने चाहिए, तो ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे।
तो देखिए आपका जो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो ही आप इसके बाद आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे और उसके बाद आप इसमें रिक्रूट हो पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, सबसे पहले वेस्टर्न के लिए बता देता हूँ, जो हिमालय रीजन के हैं, हिमालय रीजन पे जो वेस्टर्न एरियाज आता है, यहाँ पे इन्होंने स्टेट दे रखे हैं, स्टेट भी आप देख सकते हैं, तो उनके लिए हाइट 158 दे रखी है, चेस्ट आपकी 75 दे रखी है। मैं चेस्ट बता रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे किसी भी हालत में जितनी चेस्ट बताऊँगा उसके बाद आपको वहाँ पे 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो चाहिए चाहिए। और मिनिमम जो आपका वेट दे रखा है 47 दे रखा है। ईस्टर्न एरियाज़ के लिए देखिए, जो हिमालयाज़ के ईस्टर्न एरियाज़ हैं उनके लिए भी 152 हाइट दे रखी है, 75 चेस्ट दे रखी है, और 47.5 इसमें आपकी न्यूनतम की वेट होना चाहिए। उसके बाद आपका वेस्टर्न के लिए देखा है, इसमें 162.5 आपकी हाइट होनी चाहिए, 76 आपका आपका चेस्ट होना चाहिए, और 50 kg आपका वेट होना चाहिए। ईस्टर्न के लिए देख लिए, उसमें भी 157 आपकी हाइट होनी चाहिए, 50 kg वेट के साथ आपका 75 आपकी इसमें चेस्ट होनी चाहिए। वन सेंटर रीजन के लिए देखिए, 157 आपका हाइट है और 50 kg आपका वेट होना चाहिए। साउथर्न रीजन के लिए भी इन्होंने दे रखा है, 157 आपका हाइट दे रखी है, 50 kg वेट दे रखा है। गोरखास के लिए स्पेशल दे रखा है ना, 152 आपकी हाइट हो सकती है, 75 चेस्ट के साथ 47.5 आपका वेट होना ही चाहिए उस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है इन्होंने यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले पोस्ट नंबर फर्स्ट के लिए बात करूं, देखिए पोस्ट नंबर फर्स्ट में आपका ड्राफ्टमैन के लिए है पोस्ट रखी गई है, जिसमें आपकी जो एज रखी गई है 18 से लेकर 27 साल तक रख रखी है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए आपको 10+2 होना चाहिए, जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2 होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा, और आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्किटेक्चर या ड्राफ्टमैनशिप के किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या उसके द्वारा, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, ठीक है, इसमें आपको ये चाहिए होगा। उसके बाद आपका आ जाता है जो नेक्स्ट पोस्ट आती है आपकी टाइपिस्ट, यानी कि हिंदी टाइपिस्ट है, तो इसके लिए आपको 18 से लेकर 27 साल तक इसमें भी एज लिमिट रखी गई है, 10+2 होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए, यानी कि आपकी 9000 कीवर्ड पर मिनट, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं आपका पोस्ट नंबर 3, यानी कि जो आपका सुपरवाइज़र होता है स्टोर के लिए, तो इसके लिए देखा है इसमें 18 से लेकर 27 साल तक होनी चाहिए। आपको इसमें डिग्री मांग रही है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, आपको डिग्री की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और उसका आपको सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है ना, जो आपका मटेरियल मैनेजमेंट के आसपास है, इसके इक्विवेलेंट के लिए आपका इसमें सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगला आ जाता है आपका रेडियो मैकेनिकल के लिए, इसमें 18 से लेकर 27 साल तक रही है, मेट्रिकुलेशन दे रखा है इन्होंने किसी भी बोर्ड या रिकॉग्नाइज बोर्ड द्वारा, आप इसमें आपको रेडियो मैकेनिकल का के लिए इसमें मेट्रिकुलेशन होना चाहिए। उसके बाद आपको इसमें सर्टिफिकेट भी होना चाहिए विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से वो हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, इसमें भी 18 से लेकर 27 साल तक इसमें एज लिमिट मांग रखी है, 10+2 होना चाहिए और लेबोरेटरी असिस्टेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं इसमें वेल्डर के लिए, देखिए वेल्डर के लिए इन्होंने जो एज लिमिट देखी है 18 से 27 तक देखी है, लेकिन इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो मेट्रिकुलेशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा, और आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और गैस में आपका वेल्डिंग के लिए आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका देखिए मल्टी स्किल्ड वर्कर, यानी कि मैसन जो आपका होता है, तो उसके लिए इन्होंने 18 से लेकर 25 साल तक एज लिमिट मांगी गई है, और इसमें मेट्रिकुलेशन मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा, और इसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मांग रखा है ब्रिक्स मेसन के लिए, ठीक है, या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने ये मांग रखा है, ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास इसके लिए होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है देखिए आपका जो मल्टी स्किल्ड वर्कर मैस के लिए, मैस या वेटर के लिए, तो इसमें देखिए जो आपका एज लिमिट 18 से 25 दे रखी गई है, इसमें भी मेट्रिकुलेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड या इसके इक्विवेलेंट, ठीक है। उसके बाद इसमें दे रखा है इन्होंने अलग अलग चीज़ें देखी हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका सिलेबस के बारे में, सिलेबस बता देता हूँ यहाँ पे जो सिलेबस होने वाला है, सबसे पहले ड्राफ्टमैन की बात करें, ये ग्रुप सी की टाइप की पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपको दौड़ भी होगी, 1 मील दौड़ होगी, जिसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 10 मिनट में, और आपका इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट कुछ भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट की, देखिए इसमें रिटन टेस्ट में आपका
जो जो आने वाला है, सबसे सिंपल मैथ आने वाली है, इसमें ड्राइंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज और क्वांटिटी एप्टीट्यूड इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट पोस्ट है आपकी हिंदी टाइपिस्ट की, तो देखिए हिंदी जो टाइपिस्ट है ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें भी आपको 1 मील तो रनिंग करनी ही होगी, सभी में है 1 मील रनिंग, तो 10 मिनट में आपको रनिंग करनी है 1 मील, ठीक है। उसके बाद इसमें 30, इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट बिल्कुल होगा, इसमें 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी जो आपका कंप्यूटर है उसमें पास करने पड़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दे रखा है, आपको जनरल नॉलेज होने चाहिए इंग्लिश और इंग्लिश इन हिंदी में आपको ऐसे पूछा जाएगा, ग्रामर पूछी जाएगी और प्रेस राइटिंग आइडम्स और सारी चीज़ें, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक और जनरल नॉलेज टाइप के सारे क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका सुपरवाइजर स्टोर के लिए, इसमें भी आपको 1 मील तो दौड़ना ही है, प्रैक्टिकल टेस्ट कुछ नहीं है, और बाकी यहाँ पे अकाउंटेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे इन्होंने 100 मार्क्स का, हर कोई टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा और ये आपका सिलेबस रखा गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका रेडियो मैकेनिकल की, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें भी आपको 1 मील दौड़ना है, प्रैक्टिकल टेस्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं इसमें जो आपका सिलेबस ये दे रखा है आपको, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसमें भी 100 नंबर्स का आपका ये पेपर्स होगा। अगला आ जाता है आपका देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी ग्रुप सी की पोस्ट होती है, इसमें भी आपको 1 मील तो दौड़ना ही दौड़ना है, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा बिल्कुल होगा इसमें भी, तो ये कुछ टेस्ट कराएंगे, लैब टेस्ट कराएंगे जो आपका 25 नंबर का होगा, ठीक है। और आपका इसमें जो आपका प्रैक्टिकल जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 100 नंबर का होगा, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप और माइक्रो इसके टाइप के आपके इस क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका वेल्डर के लिए और मैसन के लिए, और तो इसमें भी देख सकते हैं आप, इसमें भी आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी रखा गया है और 1 मील तो आपको इसमें दौड़ना है दौड़ना है और 10 मिनट के साथ, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप अच्छे से देख ही सकते हैं, ये आपका इन्होंने सिलेबस दे रखा है, बाकी मैंने बता दिया है कि अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो इसको वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक, तो उसके बाद अब बात करते हैं आपको ये फॉर्म कैसे भरना है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम और पोस्ट डालना है कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये तो नहीं भरनी है, ऑफिशियल के लिए है, यहाँ पे आपको आपके फ़ोटो और सिग्नेचर करने पड़ेंगे। इसका रिक्रूटमेंट सेंटर तो आपको इसमें एक ही है, ग्रिप सेंटर पुणे। और उसके बाद यहाँ पे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप UR इसके नीचे राइट का मार्क कर देंगे, ठीक है। उसका वेटेज मार्क आप इसमें जो भी वेटेज पाना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास NCC का सी सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर NCC सी सर्टिफिकेट जितने परसेंट का उसका वेटेज मिला वो लिखना है आपको, ठीक है ना। और टोटल यहाँ पर 15% का, सॉरी इसमें 10% का वेटेज मिल रहा है, तो आप 10% का इसमें वेटेज लिख सकते हैं, ठीक है। आप किस कम्युनिटी से हैं, माइनर कम्युनिटी से हैं कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख, बुद्धिस्म, जो भी हैं आपको यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप EWS कैंडिडेट आए हैं तो आप यस और नो पे आप इसमें जवाब दे सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपकी नेम, फादर नेम, मदर नेम, इसमें यहाँ पे फिलअप करना है। आप अगर इसमें कोई भी अपना नाम भरते तो आपको उसमें एक खाना छोड़ना पड़ता है, जिसके आप इसमें किसी का नाम अजय है तो पहले में AJAY के बाद आपको एक ब्लॉक गैप करेंगे, उसके बाद इसको भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, परमानेंट और पर्सनल जो आपका एड्रेस है वो आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद अगर डिमांड ड्राफ्ट आप लगाएंगे तो इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, कौन सा बैंक है और क्या है, ट्रांजेक्शन डेट क्या है, अमाउंट कितने का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं जो जो आपके लिए इसमें राइट है तो उसको दे, जैसे कि आप एक्स सर्विस मैन हैं तो नहीं है तो नो पे कर देना, है तो यस, ठीक है। बाकी इसमें ग्रिप के लिए है, NCC B और C भी दे रखा है, जम्मू कश्मीर सारे स्पोर्ट्स मैन के लिए इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी पड़ेंगी, 10th 12th, और अगर आपने यहाँ पे कोई टेक्निकल एजुकेशन ले रखी तो यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन भी भरनी है। और उसके बाद आपके यहाँ पर प्रैक्टिक कोई भी अगर आपको ड्राइवर है, लाइसेंस है, तो उसके बारे में भी आप इसमें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये दे रखा है लास्ट में आपका, यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यदि आप BRO में ही काम करते हैं और इसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो भी आपको यहाँ पे पीरियड कब से कब तक इम्प्लॉयज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसको आपको फिलअप करनी है, तो ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यह तो थी एक मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप सभी को पता तो चल सके कि BRO में कुछ वैकेंसीज़ आई हैं और आप उन BRO की वैकेंसीज़ को फिल कर सकें, ठीक है। बाकी आपको कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, चाहे थोड़ा सा लेट हो लेकिन आपका कमेंट का जवाब बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को मेरी यह छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और इस स्टडी विद एम की ओर से अभी से आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।